नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं 7i न्यूज। निजी अस्पतालों के लिए स्वास्थ्य वर्धक योजना आयुष्मान भारत, यूं तो निजी अस्पतालों के बारे में आम जनता की धारणा आर्थिक शोषण के चलते दिनों दिन नकारात्मक बनती जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि इनका लक्ष्य मरीजों को जल्दी से जल्दी स्वस्थ करना कम, उसकी जेब को ज़्यादा से ज़्यादा खाली करने पर अधिक रहता है। ऐसे में यदि मरीज किसी शासकीय योजना के तहत इलाज कराने पहुंचे तो निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम की तो मानो चांदी ही हो जाती है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान भारत योजना के तहत भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पता चला है कि आयुष्मान भारत के तहत जितने भी मरीज निजी अस्पतालों में इलाज कराने पहुँच रहे हैं, उनके इलाज के नाम पर अनाप शनाप बिल तो बनाए ही जा रहे हैं। इसके अलावा अंधाधुंध तरीके से मरीजों के ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि लंबे चौड़े बिल बनाने के फेर में राजधानी के अधिकांश प्राइवेट नर्सिंग होम्स और अस्पताल मरीजों के ऑपरेशन करने में एक प्रकार से कीर्तिमान बनाते चले जा रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार इस योजना के कार्ड धारकों को प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराने की सुविधा प्रदान करती है। यानी कि आदमी को किसी भी प्रकार का रोग हो, उसमें जितना भी खर्च अधिकतम 5 लाख तक आता है, उसका भुगतान आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा संबंधित अस्पताल को किया जाता है। यह योजना अस्तित्व में आते ही मरीजों के लिए कम प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम के लिए ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो रही है, क्योंकि इनके द्वारा इस कार्ड के नाम पर बीमारियों के अधिकतम बिल बनाए जा रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, इलाज में राशि की अप्रत्यक्ष बढ़ोतरी के लिए मरीजों को ऑपरेशन टेबल तक खिसकाया जा रहा है। इसका प्रमाण यह है कि प्रदेश भर के मरीजों के लिए आशा का केंद्र बने रहने वाले हमीदिया अस्पताल, गांधी मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय JP अस्पताल में भी इतने ऑपरेशंस इस योजना के तहत नहीं हुए जितने राजधानी भोपाल के निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में हो चुके हैं। इससे भी बड़ा चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इन ऑपरेशनों के एवज में आयुष्मान भारत योजना के तहत शासन के इन दोनों बड़े अस्पतालों ने केवल 3 करोड़ के लगभग राशि का क्लेम केंद्र सरकार के सामने किया है, जबकि राजधानी के ही निजी चिकित्सालय की ओर से 15 करोड़ से भी अधिक की राशि के लिए क्लेम किया जा चुका है। अस्पतालों द्वारा किए जाने वाले इलाज और ऑपरेशन की दरों में भी इतना भारी अंतर है, जो केवल और केवल मरीज को लूटने की नीयत को ही प्रतिपादित करता है। उदाहरण के लिए, राजधानी के दो बड़े अस्पतालों गांधी मेडिकल कॉलेज और JP अस्पताल द्वारा लगभग 3000 ऑपरेशन के एवज में केवल 3 करोड़ की राशि का क्लेम सरकार के समक्ष किया गया, जबकि इसी महानगर में संचालित एक छोटे से अस्पताल में केवल 800 के लगभग ऑपरेशन करके इससे भी ज़्यादा राशि का क्लेम आयुष्मान भारत योजना के तहत कर दिया गया है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि निजी नर्सिंग होम और अस्पताल ताबड़तोड़ ऑपरेशन तो कर ही रहे हैं, साथ में इनके एवज में राशि भी अनाप शनाप तरीके से वसूल करने में लगे हुए हैं। इससे यही सत्य प्रतिपादित होता है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाले फायदे को लेकर मरीज ज़्यादा मीन मेक नहीं करता, क्योंकि पैसा उसकी जेब से लगने वाला नहीं होता। यही वजह है कि अस्पताल कितना भी बिल बना दें, मरीज को इस बात पर ऐतराज नहीं होता। उसका रुझान केवल अपनी बीमारी को खत्म किए जाने तक सीमित होता है, क्योंकि उक्त राशि सरकारी खजाने से अदा की जानी है। यानी कि एक तरफ ऑपरेशन के नाम पर मरीज की जान के साथ केवल आर्थिक फायदे के लिए खिलवाड़ किया जा रहा है, वहीं आयुष्मान भारत के नाम पर सरकारी खजाने को भी चूना लगाए जाने का काम जोरों पर चल रहा है। अतः सरकार को चाहिए कि वह उन मामलों को जाँच के घेरे में ले जिनमें मरीजों के छोटी छोटी बीमारियों के चलते भी ऑपरेशन किए गए हैं। जांच का विषय यह भी होना चाहिए कि मरीज को जो दवाइयां दी गई हैं वह जेनरिक की थी अथवा बिल बढ़ाने के लिए केवल महंगी ब्रांडों का इस्तेमाल किया गया। प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम ने विभिन्न जांचों के नाम पर कितने बिल बनाए हैं, यह भी जांच का विषय हो सकता है। साथ में यह पता लगाया जाना भी आवश्यक है कि जो जाँचें अस्पताल द्वारा कराई गई हैं, क्या वह संबंधित बीमारी के लिए आवश्यक थी। दावे के साथ कहा जाए तो इस बाबत भोपाल और मध्य प्रदेश समेत समूचे भारत में उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तो करोड़ों का ही नहीं, अरबों का घोटाला सामने आने वाला है। यदि शासन ईमानदारी से जांच को अंजाम तक पहुंचाने का काम करता है तो इससे सरकारी खजाने का भला हो सकता है, मरीज की हिफाजत भी सुनिश्चित की जा सकती है। 7i न्यूज़ के लिए मोहनलाल मोदी की रिपोर्ट।